नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल किन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं टीटू कुमार। तो एक जानकारी देना चाह रहा हूँ आज। ये हमारा 0118 का पौधा है। दोनों पौधे हमने एक साथ ही लगाए थे, वो देख रहे हैं। ऊपर भी पौधा है, मैं उसमें भी दिखाऊंगा आपको। इसमें मैंने मोथे की साइनो और 240 की स्प्रे करी थी। तो आप इसमें मक्का भी देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा खास नहीं। हमने एक खुड़ छोड़ के बुई हुई है, दो बो के एक खुड़ छोड़ा है। और इसमें ट्रिलिंग भी कोई खास है नहीं किसी भी पौधे में। किसी पौधे में तो है, यानी कोई ट्रिलिंग खास निकली नहीं है। हर्बिसाइड का ये देखिए जो फ़र्क पड़ता है पौधों पे, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। किसी भी पौधे में ज़्यादा ट्रिलिंग है नहीं। और ये एक दिन पहले बुई हुई है, जो ऊपर ले वाली हमारी बुहेर है वो ऊपर दिख रही है आपको। उसमें भी मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि हर्बिसाइड का जो फसल पर क्या असर पड़ता है, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं तो उसका क्या असर होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और क्योंकि अगर आप जुताई खुदाई से खरपतवार को ख़त्म करते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो किसान भाइयों, ये तो एक चीज़ का नुकसान भी है कि फसल, ये देखिए बिल्कुल सिंगल पेड़ खड़ा है हमारा। ये देखिए कोई ज़्यादा ना ट्रिलिंग है ना कुछ है। और मैं आपको ऊपर वाला दिखाता हूँ, हालांकि एक दिन बाद बुई थी हमारी ईंख नीचे वाले से। ये नीचे है हमारा, नीचा खेत है थोड़ा सा, कम से कम 1.5 फुट नीचे है इसे। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। ये देखिए आप मक्काई को भी देख रहे हैं, हमने इसमें घिया भी बोए थे, घिया की बेल भी अच्छी चल रही है। तो इसमें ट्रिलिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए प्रति पौधा ट्रिलिंग काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे में, सभी पौधों में निकलनी अच्छी है। और इसको एक ही खुदाई लगी है, बराबर साथ ही मैंने पानी दिया है दोनों को। ये देखिए ट्रिलिंग, मतलब तो खरपतवार का इतना फर्क पड़ता है। ये देखिए ट्रिलिंग इसमें, मतलब ट्रिलिंग निकल काफ़ी हद तक हर पौधे में ट्रिलिंग है। उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसमें जो खरपतवार मोथे की साइनो होती है उसकी स्प्रे करी थी। तो आप फर्क देख सकते हैं, देखिए इसमें ट्रिलिंग, और उसकी जो इस पर फसल की पैदावार पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसमें ट्रिलिंग नहीं निकलनी स्टार्ट हुई है उसमें। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी ट्रिलिंग आ रही है। ये देखिए सभी पौधों में ट्रिलिंग स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे में। देखिए आप, ये देखिए एक ये निकल रही, एक ही निकल रही। तो ये देखिए कोई पौधा मतलब ऐसा नहीं है जिसमें ट्रिलिंग ना हो, चाहे छोटी हो पर है ज़रूर। देखिए ये अभी निकलनी स्टार्ट हुई है ये। तो इतना फर्क पड़ता है खरपतवार को, और आप फसल को भी देख रहे हैं। ऊपर वाली जो हमारी मकई है, मकई भी काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि हमने इसको नलाई दी थी बस, और उसके बाद में एक जुताई दे के फिर हमको पानी दे दिया था। अभी कोई यूरिया कुछ चीज़ हमने इसमें डाली नहीं है, एक का खाली मोनोक्रोटोफास का एक स्प्रे कराया बस, और कुछ नहीं डाला है अभी तक। जो हमने बुआई में डाला था बस DAP, और जो भी कीटनाशक सल्फर वगैरह जो हमने बुआई में डाला था, उसके बाद में भी इसमें कुछ नहीं लगाया हमने। और ट्रिलिंग काफ़ी अच्छी निकल रही है, तो देख ही सकते हैं आप कितना अंतर आता है। जो खरपतवार है देखो, वो नुकसान तो देते ही हैं, ये कुछ दिन में भर जाएगी इससे पहले। ये आप देख, नीचे वाली देख लीजिए आप, इसमें और इसमें कम से कम भी ऐसे मानोगे एक हफ्ते का कोई फ़र्क बता देगा आराम से। तो धन्यवाद किसान भाइयों, खरपतवार का कम से कम इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।